हेलो एवरीवन, एक और एपिसोड में अकबर फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस, कुकुरमुत्ता, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, वायरस। चलिए अब आज का पहला सवाल। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज टर्नर, विलियम जोन्स या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघु गुफा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न। अभिनव भारत मंदिर के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, वीडी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल? इसका उत्तर होगा विकल्प बी, वीडी सावरकर। आगे बढ़ते हैं। माउंट रेनियर अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजील में, जापान में या फिर म्यांमार में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या NFSA पेश किया गया था 2015 में, 2014 में, 2013 में या फिर 2012 में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2013। नेक्स्ट सवाल। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की क्षमता को डैश कहा जाता है? कार्य, बल, शक्ति या फिर ऊर्जा? तो सही जवाब होगा विकल्प डी, ऊर्जा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का अयस्क नहीं है? ट्रोना, बोरेक्स, डोलोमाइट या फिर साधारण नमक? सही जवाब है ऑप्शन सी, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स का मुख्यालय किस देश में स्थित है? भारत, ब्राजील, चीन या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। दसवां और अंतिम प्रश्न। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉम्पैक्ट प्रोसेसिंग यूनिट, सामान्य प्रसंस्करण इकाई या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए, फिल्म, बी, विज्ञान, सी, पत्रकारिता या फिर डी, सामाजिक सेवा। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।